हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की आउटफिट है मेरी ये, और मैं विजार्ड वगैरह लग रहा हूँ वो हैरी पॉटर सीरीज से, ये हुडी पहन के। एनीवेज, आज है वेडनेसडे और आज हम लोग जा रहे हैं पहुंच तो गए हम। एक्चुअली मैं आज नितिन के साथ हूँ। हम लोग आए हैं मोती महल आए हैं दरियागंज। लेकिन बाप रे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम है। गाड़ी हमने रोड पे लगा दी लेकिन वो बोल रहे हैं कि पुलिस का पंगा है, पता नहीं क्या। हाँ अंदर जाके पता करें, पता अंधेरा कुछ दिख भी नहीं रहा यार। आई मीन लोकेशन तो काफ़ी सही है नहीं? हमने सुना है ये जगह काफ़ी पॉपुलर है अपने बटर चिकन के लिए, यहाँ पे इन्वेंशन हुई थी उसकी, ऐसा सुना है। अब बाकी तो अंदर जाके टेस्ट करके पता चलेगा। इन भाई साहब ने बताया था मेरे को। हैं, पक्का पता तेरे को ऐसा ही है यहाँ पे? भाई मैंने देखा था वीडियो में। अब खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है भाई, कोई नहीं है यहाँ। हेलो, कहाँ आ गए हम? चलता ये अब? अरे यार ये तो पूरा खाली है लेकिन काफ़ी ब्यूटीफुल है नहीं? काफ़ी लाइक फैमिली टाइप फील आ रही है। तो मेन्यू तो आ गई हमारी, अब वैरायटी हैं बहुत सारी तो कंफ्यूजन भी होगी। सिंस 1947, वाह भाई बहुत पुराना है ये तो। तभी से ही है ये तो, जब से आज़ाद हुए थे हम। इन लोगों ने हमें सेटिस्फेक्शन दे दी तो आई एम प्रिटी श्योर गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सैनिटाइज कर रखा पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। और हम लोग यहाँ पे अकेले ही हैं, हम लोग ऐसा लग रहा है डेट पे आए हो तो फटाफट इनमें से कुछ चुन लेते हैं और खा के देखते हैं। अब एक चीज़ तो पक्की है, जब बटर चिकन है तो वो तो मंगाना ही है हमें हाफ। जिस हिसाब से बाहर जाम था, मेरे को लगता गाड़ी वाले यहाँ पे ज़्यादातर आते होंगे। बाप रे बहुत बुरा हाल है दरियागंज का। अब तो वो लोग भी हमें छोड़ के चले गए पूरी जगह, ये हम ही हैं यहाँ पे। खुला हो इस चक्कर में हो सकता है। हाँ यही होगा, अभी जब हम आ रहे थे ना अभी ओपन सून लिखा आ रहा था मैप में, तो हो सकता है अभी अभी खुला है। आपका पॉपुलर क्या है यहाँ पे? बटर बर्रा कबाब है, तंदूरी चिकन है, चिकन टिक्का है, चिकन पकौड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, हमने सुना था कि बटर चिकन यहाँ पे बनी थी सबसे पहले। बटर चिकन, बर्रा कबाब, तंदूरी चिकन सब यहीं के खाना पैदा है सर। अच्छा, हाँ जी सर, खाना यहीं से शुरुआत है। वाह, ये 1947 से है इसीलिए आई थिंक यहाँ से कहीं अच्छी लोकेशन पे मूव नहीं कर पाए और इसी को इम्प्रूव करते चले गए। बाय द वे ये बोल तो रहे हैं कि जितने भी कबाब और ये बटर चिकन वगैरह है यहीं की पैदाइश है, तो टेस्ट में तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, हम तो वही टेस्ट करने आए हैं बस। इतनी ज़्यादा वैसे वो पुरानी वाली वाइब्स तो आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा, अब सब मॉडर्न हो गया यार। ये पिंकिश प्याज मिली है छोटी छोटी सी, ये तो मशरूम सा लग रहा है छोटा सा। मैं कितना सही लग रहा हूँ हुडी में वैसे, डेंजरस सा, बैड एस सा। वैसे इनका कहना है कि यहाँ पे डिनर टाइम में रश होता है, ऑफिस वाले लोग और ये सब आते होंगे मे बी। देखो सही बताऊँ, मैंने पहले व्लॉग्स में बोल रखा कि मेरे को शांति और यू नो अकेलापन टाइप पसंद है ऐसी जगहों पे भी, कि अकेले खाने का मज़ा ही कुछ और है। पर इतनी शांति भी पसंद नहीं है, एक दो जना तो इधर उधर बैठा होता, हम लोग ही हैं बस। खाना अगर बढ़िया हुआ ना, अगर खाना बहुत ज़बरदस्त हुआ तो भाई यहाँ आना वर्थ इट होगा। खाना टेस्टी होना चाहिए, वो बटर चिकन का स्वाद लेना मुझे, ठीक है? बिरयानी छोड़ के आया हूँ अपनी। ये एरिया वैसे काफ़ी बड़ा है और हरियाली भी है यार, फुल लाइक ओल्ड स्कूल वाली वाइब्स आ रही हैं। ये चीज़ तो बहुत सही लगी। अरे बिल्ली, हेलो, म्याऊं। अरे भाग गई वो। सही है यार, लुक तो सही है। मैं तो सही माफिया वाफिया सा लग रहा हूँ, जैसे खून वून कर दूंगा किसी का हुडी में। लग रहा हूँ बॉडी इसकी तगड़ी है लेकिन डेंजरस मैं लग रहा हूँ। मेरे को शाही पनीर लग रही थी पहले, ये हमारा बटर चिकन और नान, अभी तो दो ही चीज़ मंगाई हैं वरना हम तो हमेशा एक्स्ट्रा ही मंगा लेते हैं। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब वो आना जाना बंद है तो फॉरनर्स भी कहाँ से आएंगे? अब जैसे दरियागंज में इतना जाम रहता है उससे भी तो फर्क पड़ता होगा पब्लिक पे, है ना? इतने फेमस और बढ़िया होटल को ऐसे शिफ्ट भी नहीं कर सकते इधर से उधर ना। अब जहाँ पे बस गया वहाँ पे बस गया। टेस्ट तो है ना, आई मीन डिफरेंट ही वाइब है इसकी, इस वाले खाने की। ऐसा टेस्ट पहले हमने कहीं नहीं खाया ना। हाँ डिफरेंट ही है, चलो ये अच्छी बात है। बैटरी तो गई इसकी वो लुप लुप होने लगी, कुछ और कस्टमर्स आ गए। नाइस, अब थोड़ा सही लग रहा है।
ये सौंफ तो मेरे लिए तमाकू की तरह है, बाप रे। टोपी हटा के अच्छा लगता है यार, कुछ भी कहो। आसपास की एनवायरनमेंट काफ़ी हरियाली वाली है, सही में देखा ग्रीन ही ग्रीन हर जगह। वेलकम बैक। हमने सिर्फ बोनलेस बटर चिकन ऑर्डर किया था, लेकिन बिल्कुल नहीं लगा हम बटर चिकन खा के आए हैं। और अभी मैं साइड में बैठा हुआ था गाड़ी में, नितिन चला रहा था गाड़ी, और जब मेरा पेट भरा होता है ना, मेरा मोशन सिकनेस जो है ना वो फुल हाई लेवल पे होता है। तो भाई साहब सर दर्द हो रहा है, अब सर दर्द होने लग जाता है और वो वॉमिटिंग वाली फील्स आने लग जाती हैं। सही में गाड़ी के साइड में नहीं बैठ सकता मैं, पैसेंजर सीट के लिए बना ही नहीं हूँ मैं। मुझे तो सिर्फ ड्राइवर सीट दे दो अगर मेरे को मेरे सर दर्द से बचाना है तो। बाकी दैट्स इट फॉर द व्लॉग। हे, अभी रात हो गई है, 7 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस का केक लेने। ये मुझे जिम जाना था, मैं बंक करके क्रिसमस केक लेने जा रहा हूँ। यस, मैं ही होऊंगा पतला पर क्रिसमस यार साल में एक बार आता है और केक मैं देखना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी क्रिसमस केक नहीं देखा। चाची के साथ जा रहा हूँ मैं और वो बता रही हैं आसपास कहीं मिलता नहीं, देखते हैं। तो अपेरेंटली ये है क्रिसमस केक। ये कार्टून्स में तो मैंने पैन केक ही सुना है इनका नाम, कार्टून्स में तो पैन केक ही सुना है मैंने। यही है भाई, खाया तूने ये? हैं? लग नहीं रहा ना। केक उठा लो, मैं ये बाकी का सामान उठा लेता हूँ। इतनी दूर आके भी यही सामान लिया इन्होंने है जो बगल में मिल जाता। 8:15 हो गए, 1.5 घंटा हो गया हमें। अभी हम फ्रूट्स लेने के लिए खड़े हैं और बीच में हमने कुछ चिकन वगैरह भी ले लिया। मैंने दोपहर को भी खाया, अब रात को भी खा रहा हूँ। चिकन के लिए तो कभी मनाही है ही नहीं, वैसे भी जब मर्जी, मैं तो हमेशा रेडी है ना भाई। हाँ। मुझे तो लिया नहीं, ये नहीं। तू आई नहीं रहा, चल काला है तू बहुत मेरी तरह।